करौली हिंसा मामले में अपडेट आपको बता दें, जिला प्रशासन सख्त है और प्रशासन ने 14 अप्रैल तक कर्फ्यू की अवधि बढ़ा दी है। आज कर्फ्यू में मात्र 4 घंटे की ढील दी जाएगी, 10 बजे तक ही दुकानें खोलने की अनुमति प्रशासन की ओर से दी गई है। बड़ी खबर आपको करौली से जुड़ी हुई बता रहे हैं, करौली हिंसा से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। करौली में कर्फ्यू को लगातार बढ़ाया जा रहा है, अब 14 तारीख तक कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। कल जिस प्रकार से देखा गया था 9 घंटे कर्फ्यू में ढील दी गई थी, लेकिन आज कर्फ्यू में ढील का समय कम कर दिया गया है, मात्र 4 घंटे ढील दी गई है। सुबह 10 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति यहां पर दी गई है। तो वहीं सुबह पहले बाजारों में लोगों की भीड़ देखने को मिली है, जरूरी वस्तुओं की खरीदारी करने लोग निकले हैं। आपको बता दें कि करौली में हुई हिंसा के बाद लगातार करौली में कर्फ्यू लगाया गया है, धीरे धीरे माहौल को सामान्य करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं, धीरे धीरे स्थिति पर नियंत्रण पाया जा रहा है। उसी के तहत लगातार कर्फ्यू देखने को मिल रहा है, कर्फ्यू की अवधि को भी लगातार बढ़ाया जा रहा है, अतिरिक्त जाब्ता करौली में तैनात किया गया है। आपको बता दें कि बाजारों में सुबह से ही लोगों की भीड़ देखने को मिली है, जरूरी राशन आदि सामान परचेज करने के लिए लोग बाजारों में निकल रहे हैं। कल कर्फ्यू में 9 घंटे ढील दी गई थी, आज 4 घंटे ढील दी गई है। लगातार स्थिति को सामान्य करने में प्रशासन जुटा हुआ है। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोनलाइन पर मौजूद है हमारे करौली संवाददाता अवनीश पाराशर। अवनीश, क्या कुछ अपडेट है? कल 9 घंटे की छूट दी गई थी कर्फ्यू में, आज 4 घंटे की छूट दी गई है, केवल 10 बजे तक दुकानें खुल सकती हैं और साथ ही साथ कर्फ्यू की अवधि को भी लगातार बढ़ाया जा रहा है। क्या माना जाए, क्या स्थिति नियंत्रण में नहीं हो पा रही है, वहां पर सामान्य स्थिति नहीं हो पा रही है? देखिए आशीष, मैं आपको बता दूं, कल जो जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया उसमें 14 तारीख तक कर्फ्यू को बढ़ाया गया है और आज सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक यानी कि 4 घंटे की छूट दी गई है। अब ये क्या कारण रहे ये तो प्रशासन ही जानता है, क्योंकि प्रशासन ने इस चीज के बारे में नहीं बताया है कि क्यों सिर्फ 4 घंटे की छूट दी गई है। हालांकि कयास लगाया जा रहा है कि आज जो भाजपा की यात्रा है और पुलिस प्रशासन उनको काबू में करे या फिर जो शहर में कर्फ्यू लगा रखा है लोगों पर ध्यान दे, तो हो सकता है इस वजह से 4 घंटे की कर्फ्यू में ढील दी गई है। इसके अलावा जो जिला प्रशासन है वो बराबर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है, अफवाह पर ध्यान नहीं देने की भी अपील कर रहा है। वो फिलहाल करौली में शांति है। जी आशीष जी बिल्कुल। अवनीश, यहाँ पर अहम बात यह है कि 9 घंटे की ढील दी गई लेकिन आज 4 घंटे की गई है, तो क्या 9 घंटे की ढील में किसी प्रकार की कोई हिंसा देखने को मिली है, कोई झड़प देखने को मिली है प्रशासन को, या फिर केवल कानून व्यवस्था संभालने के पर्पज से इसे 4 घंटे किया गया है? देखिए जो कल यहाँ पर 9 घंटे की ढील दी गई थी उसमें किसी प्रकार की यहाँ पर अशांति देखने को नहीं मिली। फिलहाल यहाँ पर पुलिस का जाप्ता भी भारी मात्रा में तैनात किया गया है और जो दुकानें हैं उनके आगे भी पुलिस प्रशासन का जाप्ता तैनात रहता है। इसके अलावा जो जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक है वो बराबर मॉनिटरिंग करते हैं और शहर में जाकर भी यहाँ पर दौरा कर रहे हैं। भाई आज अपन अगर 4 घंटे की बात करें तो हो सकता है यह कानून बनाने की दृष्टि से आज 4 घंटे का समय किया गया हो। जी आशीष बिल्कुल। अंतिम सवाल ये कि कर्फ्यू के दौरान क्या लोगों को जरूरी राशन के सामान के लिए परेशान होना पड़ रहा है या फिर व्यवस्थाएं माकूल है? देखिए आशीष, मैं आपको बता दूं जो जिला कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं उसमें सभी प्रकार की दुकानों को खोलने के लिए आदेश जारी किया गया है, उसमें सभी प्रकार की दुकानें खुल रही हैं। अब तक वाहनों को अनुमत नहीं किया गया था, अब वाहनों को भी अनुमत किया गया है जिससे लोगों को किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है, बराबर लोगों को सामान उपलब्ध हो रहा है। जी आशीष। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे करौली संवाददाता अवनीश पाराशर, जिन्होंने बताया कि लगातार स्थिति को सामान्य करने का प्रयास प्रशासन लगातार कर रहा है, इसी दिशा में कर्फ्यू को भी बढ़ाया गया है। साथ ही साथ बात करें, कल कर्फ्यू में 9 घंटे की ढील दी गई थी लेकिन आज कर्फ्यू में ढील मात्र 4 घंटे दी गई है।